हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आज मेरे किचन की रेसिपी है कस्टर्ड पाउडर। मैं चार प्रकार के कस्टर्ड पाउडर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो पहला है वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ हमने ली है आधा कप चीनी, मिल्क पाउडर 1/4 कप कॉर्न स्टार्च, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस और पीला रंग। तो चलिए, सबसे पहले लिया है, ग्राइंडर लेंगे और उसमें डालेंगे चीनी, इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह से पीस लें। तो गाइस, आपको मेरी रेसिपी की सारी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार जरूर से चेक करिएगा। तो यहाँ मैंने चीनी और वनीला एसेंस को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, एकदम महीन पाउडर बन गया है। अब ये मिश्रण अच्छे से तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम आधा छोटा कप मिल्क पाउडर और जितना मिल्क पाउडर है उतना ही कॉर्न स्टार्च लिया है हमने 1/4 कप, और यहाँ डाला है पीला रंग। अब इसे भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, इसको भी अच्छे से पीस लिया है। अब हमारा तैयार है परफेक्ट घर का बना वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अब इस कस्टर्ड पाउडर को एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर हम रख लेंगे। इसकी सेल्फ लाइन तब तक रहेगी जब तक मिल्क पाउडर की सेल्फ लाइन स्टोर होती है, तब तक इसकी सेल्फ लाइन है। तो चलिए, अब बैठ रहे हैं दूसरी रेसिपी, हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। तो ग्लेंडर लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप चीनी, मिल्क पाउडर, कॉर्न स्टार्च, ये दोनों ही 1/4 कप लिया है मैंने, और पिंक फूड कलर और एसेंस डाला है इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस, और इसको भी महीन पीस लेंगे। और तैयार है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। अब तीसरी रेसिपी हमारी चॉकलेट फ्लेवर। तो चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर के लिए ही आधा कप चीनी, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। आप चाहे तो चॉकलेट फ्लेवर के लिए कलर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाला है 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ डाला है 1 छोटा चम्मच चॉकलेट एसेंस। अब इसे ग्लेंडर जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो अच्छे से पीस लीजिए, और ये देखिए हमारा घर का बना परफेक्ट कस्टर्ड चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। तो चलिए, बढ़ते हैं अपनी फोर्थ रेसिपी, बटर स्कॉच फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। इसके लिए मैंने लिया, सबसे पहले पैन गैस पर रख देंगे, और उसके अंदर डाला है मैंने बादाम और 1 मुट्ठी काजू। तो दोनों को थोड़ा मध्यम फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ काजू और बादाम दोनों ही रोस्ट हो चुके हैं। अब काजू और बादाम को फ्लेम से हटा लेंगे और एक गैस पर रखेंगे दूसरा पैन, और यहाँ मैंने लिया है ब्राउन शुगर 1/2 कप। आप चाहे तो सफ़ेद चीनी भी ले सकते हैं यहाँ पे, इसे कैरमलाइज करनी है। अब इसे समान तरीके से पैन में फैला दें और धीमी आंच पर और फ्लेम पर चीनी को पिघलाएं। चीनी को अच्छे से पिघला लें, चीनी को चलाते रहें ताकि चीनी जले नहीं। चीनी के पिघलने तक धीमी आंच पर ही इसे चलाते रहें। ये देखिए, धीरे धीरे चीनी कैरमलाइज होने शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच, हमें यहाँ मक्खन डालना था पर ये मुझसे मिस हो गया। पर गाइस, आप यहाँ 1 बड़ा चम्मच मक्खन ज़रूर डालें, और यहाँ मैंने काजू और बादाम रोस्ट किए वो डाल दिए। अब ग्रीस लगी प्लेट में इस मिश्रण को फैला देंगे। यहाँ मैंने जब मक्खन नहीं डाला, इस वजह से मेरा ये मिश्रण थोड़ा हार्ड बन गया है। आप यहाँ पर जब मक्खन डालेंगे तो ये मिश्रण अच्छे से फैल जाएगा। पूरी तरह ठंडा होने दें और ये आसानी से प्लेट से निकल जाएगा। ठंडा हो चुका है और इसके टुकड़े
कर देंगे। आप इसे जितना चाहे उतना प्रेस कर लें। जितना हो सके आप गाइस इसको महीन प्रेस करें ताकि मिक्सी में चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने यहाँ प्लास्टिक शीट पर सारा बटर स्कॉच वाली चीनी डाल दी है और अब मैं बेलन की सहायता से इसको क्रश कर दूंगी। तो जितना महीन हो सके आप इसको क्रश कर लें। तो मैंने बेलन की सहायता से पूरे मिश्रण को क्रश कर लिया है। तो अब तैयार है हमारी बटर स्कॉच के स्वाद वाली चीनी। अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो अब क्रश किए हुए चीनी के मिश्रण को ग्राइंडर में डाल देंगे और अब यहाँ ऐड करेंगे मिल्क पाउडर 1/4 कप। 1/4 कप डालेंगे यहाँ पर हम कॉर्न स्टार्च। जितनी मात्रा मिल्क पाउडर की है उतनी ही मात्रा में कॉर्न स्टार्च की रखनी है। अब आप यहाँ चाहे तो फ्लेवर के लिए बटर स्कॉच एसेंस भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि चीनी का जो स्वाद है वो बटर स्कॉच जैसा ही है। अब इसे महीन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए गाइस, अच्छा सा महीन पाउडर बना लिया है और अब तैयार है घर का बना बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लीजिए। तो गाइस, ये सारी रेसिपी हमारी सिर्फ 5 मिनट की है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसके साथ साथ बना लेते हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर के डाल लेंगे। यहाँ दूध ऐड करेंगे 2 बड़े कप। तो 2 कप दूध यहाँ ऐड कर लिया है और इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि इसमें कोई गांठ नहीं बनी रहे। अब इस मिश्रण को एक पैन या कढ़ाई में डाल लें और गैस की आंच को मध्यम रखें। मध्यम आंच पर इसको लगातार चलाते रहें। जब तक चलाए तब तक दूध गाढ़ा ना हो। गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहें और साइड पर लगी हुई दूध को भी हटाते रहें। अब देखिए गाइस, दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है और यही परफेक्ट टेक्सचर लग रहा है। तो गैस कर देंगे बंद और एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। अब इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दीजिए। तो रूम टेम्परेचर पर यह ठंडा हो चुका है और हम 30 मिनट के लिए इसको ढककर फ्रीज में रख लेंगे। अब फ्रीज से निकाल कर इसमें ऐड करेंगे अपने पसंदीदा फ्रूट। तो यहाँ मैंने लिए हैं सेब, अनार के दाने, ऑरेंज और अंगूर। अब इनको अच्छी तरह से मिला लें। तो गाइज, आपको इच्छा अनुसार जो भी फल डालना चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, तैयार है हमारा स्वादिष्ट क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। सर्विंग बोल में डालें और अपने बच्चों को खिलाएं। 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी पसंद आई होगी। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये रेसिपी बनाई हुई पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय। इयरफोन दे दो गुड्डी ने। सही कर गुड्डी, इयरफोन मेरे आशे बहुत काटे भी ना गुड़ी वैसे हो रही से नहीं हो जब ये से तू तर जा मैंने ना उसका डर कहीं जाते ये फोन और आप तो कहीं गई काटो है वो कल उतार दियो के ला आ गई ला और ले लो रात रात से ला।
ये तो गुड़ी बशरा आज का भूगोल नो ये कौन ये जरे